जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ, NCERT और एक्सरसाइज की बात करें तो 4.6 के क्वेश्चन नंबर जो है तो 10 तक देख लिए हैं। आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है और इसमें जो है आपको आव्यूह विधि से तो क्या याद करना है। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर के 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को जो है आव्यूह विधि से हल कर ज्ञात करना है। मतलब क्या, एक्स वाई और जेड का मान जो है ज्ञात करना है। किस विधि से? आव्यूह विधि से। तो आप लोग को ये मालूम है, इसके पहले क्वेश्चन हम लोग कैसे 10 नंबर बनाए थे, 9 नंबर बनाए थे, 8 नंबर कैसे बनाए थे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 ठो क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। पहला मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? ए। दूसरा का हो जाएगा एक्स और तीसरा का क्या हो जाएगा? बी। तो पहला मैट्रिक्स ये रहा, उसके बाद में दूसरा मैट्रिक्स एक्स और फिर उसके बाद में तीसरा मैट्रिक्स क्या है बताइए? तीसरा मैट्रिक्स क्या है जी? बी है। क्या है? बी है। तो यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग इतना करते आ रहे हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है क्या, तो जैसे आपको अब यहाँ पर देखना है कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा -1, फिर यहाँ पर एक्स है इसमें बताइए, तो एक्स है नहीं है ना, तो एक्स के स्थान पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा -5। एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर होगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हो गया। अब देखिए यहाँ पर बराबर की इधर क्या है, एक है, 3/2 है, 9 है, तो कुछ नहीं करना है, एक लिखना है, 3/2 लिखना है और फिर यहाँ पर 9 लिख देना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको मॉड ऑफ ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए का मान। ई क्यों? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बराबर में बी, और यहाँ से जब एक्स का मान पूछा जाएगा तो ए का पावर -1 और फिर यहाँ पर बी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ए इनवर्स दिया है, ठीक है? जब ए इनवर्स दिया रहता है तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या, यानी ए का व्युत्क्रम, और ए के व्युत्क्रम का सूत्र क्या है मालूम है ना? ए का व्युत्क्रम बराबर होता है 1/mod ऑफ ए और गुणा में एडज्वाइंट ऑफ ए। तो आपको मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए यानी 2 को बाहर करेंगे तो इसके सामने इधर वाला ख़त्म, इसके सामने इधर वाला ख़त्म, 5 × 2 = 10, इसमें से घटा देंगे 3 × 1 = 3, -3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा +3, फिर इसको माइनस में लेंगे तो इसके सामने वाला इधर वाला और इसके सामने इधर वाला हटा देंगे, है कि नहीं? ऐसा ही ना करते हैं तो बताइए, इसके सामने वाला इधर, इसके सामने वाला इधर, तो कितना हो जाएगा, 5 × -5 घटा देंगे, 0 × 0। अब इसको क्या लेंगे तो प्लस में लेंगे, ठीक है? इसको प्लस में, तो बताइए क्या होगा, तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला ख़त्म, 3 × 3 और -0 में 2 से गुणा तो 0। अब यहाँ के बाद आपको बताना है कि क्या होगा, यहाँ के बाद आपको बताना है कि क्या होगा, चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा जी? तो देखिए, 2 ये हो जाएगा 10 × 3 = 13, 13 × 26, 13 × 26, ये -5, -1 में गुणा हो जाएगा तो -5, आई 1 में 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3।
तो 26 5 कितना हो जाएगा, 26 5 31 हो जाएगा और 3 34 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ a का मान कितना आ गया, 34 आ गया। निकालना है आपको तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर x बराबर में लिख देंगे और फिर यहाँ पर एडजॉइंट मॉड ऑफ इन्वर्स ऑफ a के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो इन्वर्स ऑफ a के स्थान पर क्या लिखेंगे मालूम है ना, एक बटा में मॉड ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a, ये मालूम है आपको, तो इसके स्थानवा पर लिख रहे हैं मॉड ऑफ a और फिर गुणा एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a और फिर यहाँ पर गुणा है आपको b, गुणा क्या है b, तो एक बटा मॉड ऑफ a के स्थान पर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a के स्थान पर कितना, 34, तो यहाँ पर हो गया 34 हो गया। अब क्या आपको एडजॉइंट ऑफ a मालूम है, तो नहीं मालूम है, इसको निकालेंगे। क्या आपको b मालूम है, बिल्कुल मालूम है, कितना है जी, 1 3/2 और फिर 9, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ a, जो कि मालूम ही नहीं है। तो जब मालूम नहीं है तो क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, जब मालूम नहीं है तो क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से निकाल लेते हैं, इधर साइड में निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा ए वन वन, यहाँ पर होगा ए वन टू, यहाँ पर होगा ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है, हो जाएगा। और इसी का ट्रांसपोज कर देना है, ट्रांसपोज या तो यहाँ पर ट्रांसपोज का चिन्ह दे दीजिए, साइन दे दीजिए, आ नहीं तो एक छोटा सा टी लिख दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए वन वन, ए वन टू, बताइए ए वन थ्री, बताइए ए टू वन, फिर ए टू टू, ए टू थ्री, उसके बाद में ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, समझ रहे हैं ना, तो जो ए ए लिखे हैं वही हम लोग क्या, 3 6 9 उसी को हम लोग क्या किसके रूप में लिखेंगे, एम के रूप में लिखेंगे, ठीक है, एम के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा एम वन वन, एम वन टू, एम वन थ्री, एम टू वन, एम टू टू, एम टू थ्री, एम थ्री वन, एम थ्री टू और एम थ्री थ्री, ठीक है। अब बताइए एक एक दो होगा, आ दो मतलब सम, सम मतलब प्लस, एक दो तीन होगा, तीन मतलब विषम, विषम यानी माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस हो गया। अब आपको याद होगा, आप लोग जानते भी हैं, है कि नहीं, इसके आगे अब क्या करना होता है, यह आप लोग को मालूम है भी जी, यहाँ पर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, ठीक है। अब इसके बाद बताइए क्या होगा, यहाँ पर कोष्ट कर देते हैं, देखिए अब क्या करना है कि एम वन वन बोला गया है ना, तो आइए एम वन वन ये है, तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, इसके सामने वाला, इधर वाला हटाइए, क्या बच गया बताइए, 5 × 10 माइनस 10, 5 × क्या प्लस 10 और घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10
और तीन घटेगा इसमें से, तीन एकम तीन, तो घटने के बजाय जुट जाएगा, यानी यह कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर लिख देंगे 13, ठीक है। उसके बाद बताइए M12 बताइए क्या होगा। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए A12 यानी M12 कहने का मतलब ये, तो इसके सामने इधर वाला ये ख़त्म, इसके सामने इधर वाला ये ख़त्म, -5 और ये यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा -5 -0, ये कितना आएगा -5, ये कितना आ जाएगा -5। इसके बाद क्या होगा M13 यानी ये हो जाएगा, तो इसके सामने इधर वाला ये ख़त्म, इसके सामने इधर वाला ये ख़त्म, 3 -0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में M21 कहने का मतलब ये, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, ख़त्म, -5 -3 कितना होगा -8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया -8। उसके बाद में M22 कहने का मतलब क्या, ये इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, तो 5 × 10 -0 कितना होगा -10 हो जाएगा, -10। इसके बाद क्या होगा M23 तो देखिए M23 कहने का मतलब क्या, यानी ये, तो इसके सामने ये ख़त्म, इसके सामने ये ख़त्म, 6 - 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद में M31 कहने का मतलब ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये हो जाएगा -1 और फिर -2 × 2 घटेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से घटेगा ना, आप लोग जानते हैं, तो क्या होगा -1 --+2 यानी कितना आएगा, तो +1 ही आएगा, कितना आएगा +1। उसके बाद क्या होगा M32 कहने का मतलब ये, तो इसके सामने ये ख़त्म, इसके सामने ये ख़त्म, ये हो जाएगा -2 फिर -1 = 1 -3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। उसके बाद M33 ये, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये हो जाएगा 2 × 4 ये हो जाएगा -1 -5 यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको बताना है कि क्या होगा, ये हो जाएगा आपको +13 -−+5 कितना हो जाएगा +5 ये हो जाएगा +3 ये हो जाएगा -−+8 ये होगा -10 ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा -6 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा -−+3 ये हो जाएगा -5 ये कितना हो जाएगा -5 कितना हो जाएगा -5 ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या, देखिए जो यहाँ पर मैट्रिक्स से इसको बना देते हैं, ठीक है, यह मैट्रिक्स हो गया। तो A11 का मान कितना है 13 है, A12 इसकी जगह पर